और उसको सेचुरेटेड सोल्यूशन बुलाते हैं और अगर आयोनिक प्रोडक्ट के से ज्यादा है तो यहां पे प्रेसिपिटेशन होता है इक्लेबरम बैकवर्ड शिफ्ट होता है इसको सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन बुलाते हैं और अगर आयनिक प्रोडक्ट लेस देन के है तो यहां पे क्या होता है यहां पे जो बेसिकली सॉल्ट है वो डिजोल्व होता है सॉल्यूशन में यानी कि डिजोल्यूशन इसको अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन बुलाते हैं और इक्लेबरम फॉरवर्ड शिफ्ट करता है आइए अब इसके ऊपर बेस्ड हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें बोला है कि आपके पास प्लस आयन का कंसंट्रेशन गिवन है इतना और इसका केस पी आपको गिवन है 10^-10 और इसमें क्या बोला है कि इसमें कितना Cl- नेगेटिव आयन रिक्वायर्ड है ताकि हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएं AgCl का ठीक है अब आप देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन कब बनेगा हां जब आयनिक प्रोडक्ट के के बराबर होगा तभी सेचुरेटेड सोल्यूशन बनेगा कंडीशन मैंने आपको बताया था अब देखिए केएसपी आप किसका लिखिएगा केएसपी आप लिखिएगा जिसका वैल्यू गिवन है किएसपी किसका एजी प्लस का ठीक है और आयनिक प्रोडक्ट एजीसीएल का कितना लिखिएगा एजीसीएल कैसे ब्रेक करेगा एजी प्लस सीएल माइनस तो आयनिक प्रोडक्ट हो गया एजी प्लस सीएल नेगेटिव और यही के के बराबर है तभी सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा सो so, आपको यही सीएल आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है टू मेक रिक्वायर्ड टू मेक सेचेड सोल्यूशन ऑफ एजीसीएल तो देखिए एजी प्लस का एसपी के बराबर करिएगा तो यहां सीएल काटेड सोल्यूशन बनाए दूसरा पूछा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीएल आयन बताइए जिस पे प्रेसिपिटेशन होता है एजीसीएल का तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि प्रेसिपिटेशन कब होगा जब आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू के एसपी से ज्यादा होगा तो आयनिक प्रोडक्ट का वैल्यू AgCl का कितना लिखिएगा Ag+ का कंसंट्रेशन Cl- आयन का कंसंट्रेशन शुड बी ग्रेटर देन Ksp Ksp का वैल्यू आपको गिवन है तो Cl- आयन का कंसंट्रेशन आएगा जिसपे पे प्रेसिपिटेशन होगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें आप लैंग्वेज पकड़िए क्वेश्चन का इसमें क्या बोला है कि आपको Ba2+ आयन का कंसंट्रेशन गिवन है एक सॉल्यूशन में आपसे पूछा है OH नेगेटिव आयन का वो कॉन्सेंट्रेशन बताइए एट विच प्रेसिपिटेशन ऑफ बी एच होल टॉइस विल बिगन यानी प्रेसिपिटेशन हुआ नहीं है होने वाला है विल बिगन एट विच एट विच कॉन्सेंट्रेशन प्रेसिपिटेशन विल बिगन इसका मतलब है कि वो आपको सेचुरेटेड कंडीशन का पूछा है लैंग्वेज को आप पकड़िए

प्रोडक्ट होगा बी आयन का काट्रेशन और आयन का टू द पावर देर तो इसको बराबर करिएगा ठीक है? इसको नीचे लेके आइएगा तो आपके पास ओ एच नेगेटिव आइन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा एट विच प्रेसिपिटेशन ऑफ बी एच बिगन यानी कि लैंग्वेज ध्यान रखना है कि कंडीशन पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें बोला है विल अ प्रेसिपिटेट ऑफ एम जी ओ एच बी फॉर्मड फ्रॉम टू टेंड ट्वाइस सोल्यूशन इफ इट्स इज एडजस्टेड टू नाइन और के एसपी आपको दे रखा है एम जी ओ एच होल्ड ट्वाइस देखिए पूछा है कि प्रेसिपिटेट बनेगा कि नहीं तो प्रेसिपिटेट बनने का क्या कंडीशन होता था कि जब आयनिक प्रोडक्ट के एसपी से बड़ा होगा तब प्रेसिपिटेशन होगा अगर बराबर हुआ तो सेचुरेटेड सोल्यूशन है लेस देन हुआ तो डिजोल्यूशन होगा तो आपको यही कंडीशन खोजना है अब आप देखिए आपको KSP दिया है OH को, ठीक है? ठीक और प्रेसिपिटेशन इसी का पूछा है तो आप देखिए OH तो ट्वाइस OH को ऐसे तोड़िएगा तो आयनिक प्रोडक्ट आप आराम से निकाल सकते हैं एमजी टू प्लस प्लसिव आयन का the ठीक है? अब आप ध्यान से सुनिए अब यहां से पहले आप आयनिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करिएगा तो एम जी टू प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है और ओ एच निगेटिव आयन का निकालना है। और ये दोनों आपको में नहीं गिवन है कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको pH दे रखा है, में किसका एम जी एन ओ थ्री होल्ड इसका पीएच दे रखा है अगर पीएच है तो फोर्टीन माइनस नाइन करेगा तो पीओ एच आ जाएगा और पीएएच फाइव है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओ एच निगेटिव आ गया ट्वेंटी तो एक तो ये मिल गया अब टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कैसे पता करेंगे उसके लिए आपको देखिए ये गिवन है MgNO3 ये बताइए कैसे तो बाद में पूरा टूट गया तो इसका सी बनेगा इसका टू सी बनेगा तो जो एमजी टू प्लस में का बराबर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एम जी एन ओ थ्री होल्ड्वाइस और ये आपको दे रखा है माइनस थ्री एमजी टू प्लस आइन का भी आ गया तो यहां से आयनिक प्रोडक्ट इतना आ गया आयनिक प्रोडक्ट इतना है के एस पी आपके पास इतना है तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आयनिक प्रोडक्ट है इट इज लेस देन के एस पी अगर लेस देन के एस पी है क्योंकि निगेटिव में ज्यादा नंबर होता है कम और निगेटिव में कम नंबर होता है ज्यादा तो इसलिए क्यू लेसन के एसपी है तो यहां प्रेसिपिटेशन नहीं होगा डिजोल्यूशन होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें बोला है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है सीआरओ फोर टू नेगेटिव और सीएलट्रेशन आपको गे रखा है है मोलर। अब बोला है कि इसमें क्या करते हैं Ag+ प्लस आयन जो है धीरे धीरे इसमें पहले? ठीक है और आपको क्वेश्चन में दे रखा है एजी टू सीआर का के एस पी और एजीसीएल का के एसपी अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एजी प्लस मिलाने से कौन पहले प्रेसिपिटेट होगा हुआ नहीं है होगा विल बिगन यानी कि अभी अभी हम लास्ट क्वेश्चन में पढ़ के आए प्रेसिपिटेशन हुआ नहीं है विल बिगन यानी कि आपको के एस पी इज इक्वल टू आयनिक प्रोडक्ट लिखना है यह कंडीशन लगाना है और आपको चेक करना है कि इन दोनों के लिए ए जी प्लस आयन किसके लिए कम अमाउंट में रिक्वायर्ड है क्योंकि जिसके लिए कम अमाउंट में रिक्वायर्ड होगा और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा वो उतना फास्ट प्रेसिपिटेशन होगा उतना फास्टली पहले उसका प्रेसिपिटेशन होगा वापस देखिए इन दोनों को करवाना है, AG चाहिए, अभी हुआ नहीं है होने वाला है तो यानी कि ये कंडीशन यूज करेंगे के एसपी क्यू के बराबर करेंगे और हम चेक करेंगे कि इन दोनों के लिए किसके लिए एजी प्लस कम अमाउंट ही रिक्वायर्ड में प्रेसिपिटेट हो गया ठीक है तो देखिए एजी टू सीआर पहले लिखे हम उसका एक को सोल्यूशन बनाएंगे तो टू एजी प्लस प्लस सीआर टू नेगेटिव इसका आप आयनिक प्रोडक्ट लिखिए तो AG, की नेगेटिव और इसको हम के एसपी के बराबर करेंगे तो यहां से एजी प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आएगा के एसपी डिवाइडेड बाई सी आर ओ फोर टू नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो कि आपको गिवेन है जीरो पॉइंट वन मूलर तो यहां से एजी प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया फिर हम बात करेंगे एजीसीएल के लिए AgCl का भी एक को सॉल्यूशन बनाइएगा तो आयनिक प्रोडक्ट इसका होगा Ag+Cl- Ksp क्या बराबर है क्यों क्योंकि विल बिगन अभी प्रेसिपिटेशन हुआ नहीं है तो Ag+ आयन का कंसंट्रेशन आ गया इतना अब आप चेक करिए इन दोनों में से Ag+ आयन का कंसंट्रेशन कहां कम है नेगेटिव में कम तो ये वैल्यू ज्यादा है नेगेटिव में ज्यादा तो ये वैल्यू कम है यानी कि Ag+ इतने कम सोल्यूशन इतने कम अमाउंट में ही एजीसीएल को प्रेसिपिटेट कर देगा तो पहले कौन प्रेसिपिटेट होगा पहले एजीसीएल प्रेसिपिटेट होगा क्योंकि यहां कम एजी प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन में ही प्रेसिपिटेशन हो गया नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन का कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रियल मेथड में कैसे यूज करते हैं जैसे कॉमन सॉल्ट कैसे इसको इसमें प्रेसिपिटेशन का मेथड यूज करते हैं क्या होता है एनएसीएल का जब आप एक कुछ बनाइएगा एनए तो प्लस एक्व साथ में सीएलटिव एक्व बनेगा इसका अभी अभी सेचुरेटेड सोल्यूशन है एनएसीएल का तो एनएसीएल का सेचुरेटेड सोल्यूशन कहने का मतलब वहां आयनिक प्रोडक्ट केएसपी के बराबर आएगा और इसका आयनिक प्रोडक्ट क्या लिखेंगे एनए प्लस इंटू सीएलटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन इजकुल टू के एस पी अब आप क्या करिएगा इसको प्रेसिपिटेट करने के लिए आप क्या करिएगा यहां से सीएलटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसी तरह से अगर हम इंक्रीज कर दे तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल से क्या होगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो आसानी से NaCl सॉलिड मिलेगा यानी प्रेसिपिटेट फॉर्म में या यू कह दीजिए अगर आप सीएल नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो Q जो होगा वो Kp से बढ़ जाएगा और अगर ऐसा कंडीशन हुआ तो प्रेसिपिटेट आसानी से हो जाएगा इसीलिए NaCl के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रेसिपिटेट करवाने के लिए एच सी एल का यूज करते हैं क्योंकि एससीएल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये यह नेगेटिव बढ़ाएगा प्रोडक्ट बढ़ रहा है रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा प्रेसिपिटेट बनेगा सॉलिड फॉर्म में या यूं बोल दीजिए प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो आयनिक प्रोडक्ट में नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो क्यू बढ़ेगा के एसपी से टोटल क्यू बढ़ेगा के एसपी से तो प्रेसिपिटेट आसानी से हो जाएगा सो इन द दोल्यूशन ऑफ एन एसीएल एस सी एल गैस इज पास टू प्रेसिपिटेट एनएसीएल इजिली सिमिलरली हम पढ़ते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप

तो हम इसमें क्या करते हैं एनए सीएल एड करते हैं एनए प्लस सीएलटिव एनए प्लस बढ़ गया अगर एनए प्लस बढ़ गया तो ओवरऑल जो क्यू है आयनिक प्रोडक्ट वो बढ़ जाएगा के एसपी से और प्रेसिपिटेशन हो जाएगा नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं वो है आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन आइसोहाइड्रिक सोल्यूशन क्या होता है अगर दो सॉल्यूशन में H प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो ऐसे दो सॉल्यूशन को हम आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहते हैं Which have same H ion उस दो सॉल्यूशन को हम आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन कहते हैं अगर दो सोल्यूशन आइसोहाइड्रिक नेचर में यानी पहले सॉल्यूशन में जो एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है विल बी इक्वल टू एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सेकेंड सॉल्यूशन और मान लीजिए दो वीक एसिड को मिक्स करते हैं एच ए वन एच ए टू इसका कॉन्सेंट्रेशन है सी वन इसका आयोनाइेशन कॉन्सटेंट हैली सी टू के टू अगर ये दो वीक एसिड आइसोहाइड्रिक है यानी दोनों में एच प्लस आइन कॉन्सेंट्रेशन बराबर है और दोनों वीक एसिड है तो आपको पता है वीक एसिड के लिए आयन का का फॉर्मूला होता है रूटू सी तो पहले एसिड के लिए के सी वन, और दूसरे एसिड के लिए टू इंटू सी टू बराबर करेंगे रूट रूट, रूट हटाएंगे तो केन सी वन इज टू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो कॉन्सेंट्रेशन की जगह पे हम वॉल्यूम डाल सकते हैं और ये रिजल्ट आएगा तो आइसोहाइड्रिक कंडीशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सो इट इंडिकेट्स हाउ मेनी टाइम्स एन एसिड इज स्ट्रॉगर एसिड तो रिलेटिव स्ट्रेंथ मान लीजिए दो एसिड है so उसमें अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है तो उसके एच प्लस आयन का आप बेसिकली रेशियो uh, ले लीजिए तब आपको पता चल जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने दो एसिड के बारे में बात किया था इनका रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर चेक करें तो आप क्या करिए पहले का एच प्लस आइन डिवाइडेड बाई दूसरे का एच प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन करिए तो एच प्लस आइन होता है सी वन अल्फा वन आपको फॉर्मूला पता है एच प्लस आइन का कॉन्सेंट्रेशन सी अल्फा होता है तो दूसरे का सी टू अल्फा टू और अल्फा की जगह पे आप रख सकते हैं के वन इंटू सी वन और इसका रेशियो ले लीजिएगा तो आपके पास रिलेटिव स्ट्रेंथ आ जाएगा और अगर दोनों सोल्यूशन मतलब दोनों एसिड है मतलब दोनों का सेम है तो ये जो आप फॉर्मूला निकाले हैं सी वन अल्फा वन डिवाइडेड बाय सी टू अल्फा टू इसमें कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करिए तो अल्फा वन अपॉन अल्फा टू या रूट अंडर के वन अपन के टू तो रिलेटिव स्ट्रेंथ और इक्कीूमोलर का कंडीशन याद रखिएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस इंडिकेटर नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिकेटर देखिए इंडिकेटर को समझने के लिए आपको टाइट्रेशन समझना पड़ेगा टाइट्रेशन क्या होता है ये सुनिए आपको पता जब एसिड बेस रिएक्शन करवाते हैं हम तो उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं कब जब आप कॉपी पे करवाते हैं लेकिन जब आप एसिड बेस रिएक्शन का रिएक्शन करवाते हैं एसिड बेस रिएक्शन इन लेबोरेटरी उसी प्रोसेस को हम टाइट्रेशन बुलाते हैं ठीक है तो टाइट्रेशन जब हम करवाते हैं तो क्या होता है एक हम यहां पे ऐड करते हैं और इस में क्या होता है इसका कलर में चेंज आता है कब जब एसिड बेस टाइट्रेशन या न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो उसी को हम बुलाते हैं इंडिकेटर तो इंडिकेटर क्या होता है इंडिकेटर इज ए सब्सटांस दैट अंडरगोज चेंज इन इट्स कलर

अब जैसे यह ड्रॉप बाय ड्रॉप बेस नीचे आया तो इसमें हम इंडिकेटर मिलाते हैं और जब ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट होता है एंड पॉइंट आता है तो इंडिकेटर का कलर चेंज होता है तब हमें पता चल जाता है तो जब भी एंड पॉइंट आता है टाइट्रेशन का या आप यू बोल दीजिए एट जो बेस है और जो एसिड है इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट हम बराबर करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ एसिड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट ऑफ बेस कब

So, Ostwald's theory of indicator. याद रखिएगा जो indicator हम यूज करते हैं titration में, ये कुछ और नहीं ये वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो वीक एसिड या ही होता है ठीक है अब याद रखिएगा कि इंडिकेटर वीक ऑर्गेनिक एसिड या बेस होता है तो हम पहले बात करते हैं एसिडिक इंडिकेटर और फिर बात करेंगे बेसिक इंडिकेटर एसिडिक इंडिकेटर इसका नाम बड़ा है तो इसलिए इसको छोटा फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको यूज करते हैं आई एन फोर इंडिकेटर और एसिडिक है तो एच इसके लिए यूज करते हैं तो एच आई एन एसिडिक इंडिकेटर के लिए यूज करते हैं सिमिलरली बेसिक में ओ OH एच और आई एन फोर इंडिकेटर तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एसिडिक इंडिकेटर है, का एक एग्जाम्पल है फेने पहला क्वेश्चन बेसिक इंडिकेटर का एक एग्जाम्पल है मिथाइल ऑरेंज और सिमिलरली फिने को रिप्रेजेंट नाम बड़ा है इसलिए इसका छोटा नाम रखते हैं फिनेपथलिन एसी के इंडेक्टर है इंडिकेटर है तो एच और फिन का पी मिथाइल ऑरेंज बेसिक इंडिकेटर है इसलिए ओ OH एच और मिथाइल ऑरेंज का एम तो ऐसे नाम रखते हैं अब देखिए है तो ये वीक एसिड तो फिनप्थलिन क्या होगा वीक एसिड है तो इसको जब आप डालिएगा तो ब्रेक करेगा तो फिनप्थलिन एच पी एच को हमने ब्रेक किया एच प्लस पी एच निगेटिव तो याद रखिएगा जब फिनपथिलीन अपने अनआयोनाइज्ड फॉर्म में होता है ये देखिए आयोनाइज ये आयोनाइज तो फिन याद रखिएगा कलर इंपॉर्टेंट है कि फिनप्थनीन अपने अन फॉर्म में कलरलेस होता है और जब आयोनाइज होता है तो फिन जो होता है वो पिंक कलर का होता है हमेशा याद रखिएगा तो आप क्या बोल सकते हैं कि कलरलेस तो क्या है थोड़ा लाइट कलर है उसमें तो कलर ही नहीं है और पिंक डार्क कलर है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक इंडिकेटर जब अपने अन फॉर्म में होता है तो वो लाइट कलर का होता है और जैसे ही आयोनाइज फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो वो डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाता है सिमिलरली देखिए बेसिक इंडिकेटर में जो मिथाइल ऑरेंज है जब इस टूटेगा तो एम ई प्लस ओ एच निगेटिव तो जब ये अन आयोनाइज फॉर्म में होता है तो याद रखिएगा येलो कलर होता है और आयोनाइज फॉर्म होता है तो ये रेड ऑरेंज कलर का होता है तो इसके कंपेरिजन में ये थोड़ा सा लाइट कलर है तो इसलिए तो मैंने बोला कि जब अन होता है तो लाइट कलर होता है आयोनाइज फॉर्म में डार्क कलर होता है अब आप ध्यान से सुनिए कि इंडिकेटर को क्या करते हैं जब आप एसिड बेस में मिलाते हैं तो इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में एक कलर होता है और बेसिक मीडियम में दूसरा कलर हो जाता है अब ऐसा क्यों होता है सुनिए मान लेते हैं इंडिकेटर आपके पास ये था यह ब्रेक हुआ ऐसे कलरलेस से पिंक कलर बना अब बात करिए आप एसिडिक मीडियम में इस इंडिकेटर को एसिडिक मीडियम में ले जाइए एसिडिक मीडियम में क्या होगा आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा तब आप देखिए इस रिएक्शन में ये प्रोडक्ट साइड ये रिएक्टेंट साइड तो प्रोडक्ट साइड में एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और बैकवर्ड जाएगा तो पिंक कलर color से कलरलेस होता जाएगा ये तो पहला हुआ कॉमन आयन इफेक्ट के वजह से फिर इसी इंडिकेटर को आप बेसिक मीडियम में ले जाइए तो बेसिक मीडियम में आपको पता है ओ एच निगेटिव आयन ज्यादा होता है तो यहां देखिए और आयन इफेक्ट है प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा यानी कलरलेस से पिंक बनेगा तो देखिए वही तो मैंने बोला कि एक इंडिकेटर का एसिडिक मीडियम में कुछ और कलर होता है बेसिक मीडियम में कुछ और कलर होता है ड्यू टू कॉमन इफेक्ट एंड ऑड आइन इफेक्ट इस पॉइंट को लिख लेते हैं सो एन इंडिकेटर हैज वन कलर इन एसिडिक मीडियम एंड ए डिफरेंट कलर इन बेसिक मीडियम ड्यू टू कॉमन एंड ऑड आइन इफेक्ट सिमिलरली आप यहां से भी बात कर सकते हैं बेसिक इंडिकेटर में बेसिक इंडिकेटर में देखिए प्रोडक्ट साइड में एमई प्लस ओ एच निगेटिव जब आप इसको एसिडिक मीडियम में ले जाइएगा तो आपको पता है एसिडिक मीडियम में एच प्लस आइन ज्यादा होता है तो यहां देखिए ऑर्ड आइन इफेक्ट प्रोडक्ट कंज्यूम होगा रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो आपको रेड ऑरेंज मिलेगा और बेसिक मीडियम में ओ एच निगेटिव आयन ज्यादा होता है प्रोडक्ट बढ़ गया रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा येलो कलर तो वही बात किया हमने नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच ऑफ एसिडिक इंडक्ट इंडिकेटर एसिडिक इंडिकेटर को ऐसे डिपेंड डिनोट करते हैं पीएच निकालने के लिए इसको वीक एसिड है तो डिसोसिएट करेगा इसका के के या इसको आई एन इंडिकेटर बुलाते हैं तो के कैसे होगा ऑफ़ कॉन्सेंट्रेशन काोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आपको एच प्लस तो तो क्या है सो so, ये जो एच आई एन है ये बेसिकली ये क्या है ये इंडिकेटर uh, का फॉर्म है और ये आयोनाइज फॉर्म है मैंने आपको बताया था तो फिर इसका नेगेटिव लॉग लीजिएगा तो आपके पास आएगा पीएच ऑफ एसिडिक इंडिकेटर एसीडी के का रेशियो आपको क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन नहीं देगा इंडिकेटर का आपको बोलेगा कि इंडिकेटर इज फोर्टी परसेंट आयोनाइज तो फोर्टी परसेंट आयोनाइज हुआ तो फोर्टी परसेंट यहां डालिएगा और आयोनाइज बचा सिक्सटी परसेंट तो ये दोनों डालिएगा तो आयोनाइज फॉर्म डिवाइडेड बाय अन फॉर्म सिमिलरली आप एच ऑफ बेसिक इंडिकेटर भी निकाल सकते हैं कैसे इसको आप ब्रेक करिएगा केबी लिखिएगा फिर यहां से ओ एच निगेटिव आय कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा फिर यहां से पीओ एच कैलकुलेट करिएगा पीकेबी प्लस लॉग आयोनाइज फॉर्म ऑफ बेसिक इंडिकेटर डिवाइडेड बाय अन फॉर्म फिर फोर्टीन माइनस पी एच कर दीजिएगा आपके पास पीएच आ जाएगा याद रखिएगा यहां पे आपको कॉन्सेंट्रेशन नहीं देगा आपको बोलेगा फोर्टी परसेंट आयोनाइज सिक्सटी परसेंट आयोनाइज

आयोनाइज फॉर्म अन फॉर्म इसके बीच में आता है तो इसी को पीएच रेंज बुलाते हैं और पीएच रेंज हो जाएगा पीकेवी प्लस माइनस वन